हे गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी। भाई एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मौसम थोड़ा सा गर्म है भाई, धूप हो चुकी इसी टाइम। तो बस आज भी अपने कालू को लेके निकल दिए हैं, थोड़ा सा इसको राउंड घुमाएंगे इधर उधर और फिर देखते हैं क्या करना आगे। कहीं भी चल लेंगे भाई ऐसे ही, अपने को क्या है, थोड़ा सा इसको घुमा टहला के फिर आ जाएंगे, अपना काम करेंगे बैठ के। तो चलो फिर चलते हैं फटाफट से। सही है, मौसम ठीक है, मतलब धूप तो हो गई है और कालू भाई अपना डे बाई डे गंदा ही होते जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं भाई, 15 दिन तो ऐसे ही रहेगा। इधर वीआईपी मूवमेंट है क्योंकि रास्ता जो है डाइवर्ट कर दिया गया, तो अभी थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। सुबह सुबह ही इंडिया गेट पे इतनी भीड़ लग गई है मस्त वाली। आओ भाई, सामने वाली थार को चाचा चला रहे थे। चाचा भाई आज जो है मैप बड़े सही सही जगह से लिवा के जा रहा भाई, काफी ग्रीनरी है इस इलाके में। तो मैं और आगे देखो G900 जा रही भाई, वाह मस्त। सोच रहा हूँ गाइस एक सुपर बाइक भी ले ली जाए, क्या कहते हो आप। ज्यादा कॉस्टली नहीं, मतलब सुपर बाइक वही 20 लाख के रेंज में जो भी आ जाए। भाई मेरी फेवरेट जो है ना ZX10R है, कावासाकी की ZX10R, तो मैं सोच ZX10R ले लेते हैं, काफी सही रहेगा। तो वो आएगी करीब यही 18-20 लाख के रेंज में। मस्त मस्त जगह से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है हमारे ऊपर, एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो लाइन है, ठीक है। लेवा से मस्त छेना टोस्ट ले लिया, यहाँ की फेमस मिठाई सीपी, और जबरदस्त मिठाई होती है भाई। एक पीस आती 34 समथिंग की, तो मजेदार मिठाई है। अभी चलते हैं भाई लेके और फिर घर मिलते हैं। भाई जी देख रहे हो 131 वैरायटी ऑफ डोसा, पढ़ लेना। पिज्जा डोसा, गोल माल डोसा भी बोलते हैं इसको, और ये मस्त अलग से भाई कुछ अलग चीज़ तो है। तो ट्राई करके बताता हूँ कैसा है स्वाद वगैरह कैसा। भाई जबरदस्त। इडली सांभर ये भी लपेटेंगे भाई, पिज्जा डोसा तो भाई डोसा था जबरदस्त। और ये देख रहे हो 131 टाइप के डोसे हैं भाई, ये देख रहे हो भाई 131 टाइप की वैरायटी है डोसे की। खाते खाते आप थक जाओगे, जो है पसंद वो ऑर्डर करके सब मिलेगा। तो सही है, फिर ये भी ट्राई करते हैं फटाफट से भाई। अभी मस्त जो है भाई डोसा वोसा खा के, कॉफ़ी तो सुबह ही पी लिया था, तो डोसा खाया, फिर थोड़ा सा सोडा पिया और सोडा वोडा पी के भाई बस अब यही निकल दिया हूँ घर के लिए। तो आज का बस मज़ा आ गया भाई, काफ़ी सही था डोसा तो भाई। 131 वैरायटी की जो 131 वैरायटी का जो डोसा था ना, शानदार भाई, ज़बरदस्त था, मतलब मज़ा आ गया खा के। और ये भी नहीं है कि बस नाम नाम लिखा भाई, 131 वैरायटी है, अवेलेबल है, अगर आप वहाँ पर मतलब बोलोगे ना खाने के लिए तो वो ला के देगा भी। और इडली भी इसी तरह से है, उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो आप जाओ और खाओ। जेल रोड पे है भाई,
बहुत सही है, मजा आ गया, तो ऑसम एक्सपीरियंस था। तो ऐसा है ना कि देखो डोसा नॉर्मल तो हर कोई खाता ना, तो कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें आप ट्राई करते रहो, मतलब कुछ अलग, तो एक फन सा रहता है। सही है भाई, लाइफ में ना चीजें करनी चाहिए अलग अलग। तो चलो गाइस फिर चलते हैं फटाफट से, और ये अपना आ गए हैं भाई मस्त रोड पे, मजा आ रहा चलाने में। अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब कोई जबरदस्ती भाई आगे लाके गाड़ी फंसा दे तो उसमें भाई मेरा भी कोई कसूर नहीं, ठीक है। बाकी यही है, और एक अपना डियो भी ले लिया भाई, डियोड्रेंट अपना ख़त्म हो रहा था तो वो भी ले लिया, अब बस निकल दिया हूँ। तो चलो फिर चलते फटाफट से। तो भाई अभी मस्त घूम घाम के आ गए, और कालू को आज काफ़ी फिर से दौड़ा दिया आज भी, तो ठीक है यार। अब तो मतलब ट्रैफिक में ना मस्त चला रहा हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं भी लेके चला जा रहा हूँ, तो अभी हाथ बिल्कुल साफ है कह सकते हैं। मतलब अच्छी से अच्छी ट्रैफिक भी देख लिया, ये धौला कुआं वगैरह वाला, एम्स से जब होके आप आते हो ना भयानक, मतलब वहाँ पे आपको डेली ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सराय काले खां तक। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ खाया, मिठाई भी लिया, काफ़ी स्पेशल मिठाई कलेवा की सीपी में। तो आज का दिन काफ़ी कुछ अच्छा था भाई, आगे फिर देखते हैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। और गाइज अगर ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।